यूक्रेनी सेना ने हाल ही में रूस के कुर्स्क क्षेत्र को कंट्रोल में ले लिया और कुछ रूसियों को भी बंदी बना रखा है। बदले में रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए और यूक्रेन के ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। 200 से अधिक रूसी ड्रोन और मिसाइल हमलों में भारी नुकसान के साथ कई लोगों की मौत भी हो गई। यूक्रेनी सेना के शीर्ष कमांडर ने कहा कि कुर्स्क में आक्रामक अभियान चलाने का उद्देश्य अन्य दिशाओं से, खास तौर से पोक्रोवस्क से रूसी सेना को हटाना था, लेकिन रूस ने ऐसा नहीं किया, जिससे यूक्रेन की चाल फेल हो गई। कमांडर ने कहा कि दुश्मन रूस सब समझता है, इसलिए उसने पोक्रोवस्क से अपनी सेना को नहीं हटाया और उसने वहां अपनी निगरानी और बढ़ाते हुए उस इलाके में अपने प्रयासों को और अधिक बढ़ा दिया है। इससे पोक्रोवस्क और कुराखोवस्क में यूक्रेनी सैनिकों के लिए हालात और कठिन हो गए हैं। आपको बता दें कि पोक्रोवस्क में रूस की सबसे अधिक युद्ध के लिए तैयार यूनिट है। यूक्रेन की चाल रूस का ध्यान भटकाकर वहां से रूसी सैनिकों को हटाने की थी। रूस इस चाल को समझते हुए दूसरी जगहों से तो अपनी सेनाओं को वापस बुला रहा है, लेकिन पोक्रोवस्क से उसने अपने प्रयासों को और बढ़ा दिया है। पोक्रोवस्क जितना रूस के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही यूक्रेन के लिए भी उसका महत्व है। पोक्रोवस्क यूक्रेनी सेना के लिए एक प्रमुख रसद केंद्र है। रूसी सेना ने भी हाल ही के हफ्तों में पोक्रोवस्क पर हमले बढ़ा दिए हैं। यूक्रेनी सेना ने 6 अगस्त को रूस के कुर्स्क क्षेत्र पर आक्रमण किया था, जिसे रूस यूक्रेन के हमले शुरू होने के बाद से रूसी क्षेत्र पर किया गया अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। यूक्रेनी सैनिकों ने अभी भी इस क्षेत्र की कई बस्तियों पर कब्जा कर रखा है। हालांकि कुर्स्क ऑपरेशन के अपने मंसूबे में यूक्रेनी नेतृत्व विफल दिखा, क्योंकि शुरुआत में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के कार्यालय ने कहा था कि रूसी जनता को डराने और रूस के साथ अंतिम शांति वार्ता के दौरान एक मजबूत स्थिति में पहुंचने के लिए रूसी इलाके में कब्जा जरूरी था। बाद में उनका उद्देश्य बदल गया। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि उनका उद्देश्य रूसी क्षेत्र के अंदर एक बफर जोन बनाना था और रूस को यूक्रेन के सुमी क्षेत्र पर हमला करने का आदेश देने से रोकना था। सुमी क्षेत्र कुर्स्क की सीमा पर ही है। इस पूरे मामले में द इकोनॉमिस्ट ने अज्ञात सूत्रों के हवाले से एक रोचक जानकारी दी है। कहा गया कि यूक्रेनी कर्नल जनरल अलेक्सांद्र सिरस्की नौकरी से निकाले जाने की कगार पर थे और इस वजह से उन्होंने हताशा में कुर्स्क ऑपरेशन का आदेश दिया था। सिरस्की का मुख्य उद्देश्य डोनबास के कब्जे से रूसी सैनिकों को हटाना और सीज फायर के लिए मोल भाव करने की ठीक स्थिति में पहुंचाना था।